नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। निजी स्कूल ने शरारत के आरोप में 8 बच्चों को स्कूल से निकाला। अभिभावक व उनके साथियों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी की व प्रदर्शन भी किया है। उपायुक्त को एक अभिभावक ने पत्र लिखा है। उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि इन बच्चों को वापस लिया जाए। स्कूल प्रशासन बच्चे की काउंसलिंग के लिए अड़ा है। कहा बगैर काउंसलिंग के बच्चे को वापस नहीं लेंगे। 7 अभिभावकों ने इस पर चुप्पी साधी। आप देख रहे हैं पल पल भिवानी से अमन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भिवानी के एक निजी स्कूल में पढ़ रहे 8वीं कक्षा के बच्चों को शरारत करने के आरोप में स्कूल ने बाहर निकाल दिया। अभिभावक व उनके सहयोगियों ने स्कूल के बाहर हंगामा करते हुए धरना व प्रदर्शन भी किया और बच्चों का स्कूल में फिर से दाखिला करने की मांग की है। इस घटना के बाद में एक छात्र के अभिभावक ने जिला उपायुक्त को इस बारे में पत्र लिखा। जिला उपायुक्त ने अपने आदेशों में मिड सेशन में बच्चे को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं और कहा है कि बच्चे को बाहर निकालने के बजाय वापस उसका दाखिला किया जाए, परंतु स्कूल प्रशासन बच्चे को अभी कक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दे रहा। वहीं एक और बच्चे के अभिभावक ने बताया कि जब जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं तो उसके बाद बच्चे को नहीं बैठने दिया जा रहा। अभिभावक के उनके साथ आए हुए लोगों ने कहा है कि जब तक बच्चे को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता ये धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं स्कूल प्रशासक ओपी जोशी ने कहा है कि उन्होंने बच्चे की काउंसलिंग के लिए काउंसलर को बुलाया है, इसके बाद ही बच्चे को फिर से कक्षा में बैठने देंगे। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। 8वीं आई का स्टूडेंट है स्कूल का, थोड़ी मोटी कोई शरारत कर दी होगी। उस शरारत के सारे काम कह दिए, डीओ साहब ने भी कह दिया काउंसलिंग करवाएंगे, डी साहब ने भी कह दिया काउंसलिंग करवाया जाएगी। वो डीसी साहब ने डीओ साहब ने ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद 27 तारीख का ऑर्डर है, 2 दिन के अंदर अंदर इनको जवाब देने को कहा गया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 2 दिन से बच्चों को स्कूल में यहाँ पे मैं लेके बैठता हूँ सुबह और ये क्लास में अंदर जाने नहीं दे रहे। ये कह रहे भी ना हमने प्रशासन का डर, ना हमने कोई मतलब को नहीं किसी चीज से। क्या मांग करता प्रशासन से? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। स्कूल में बच्चे को क्लास में बैठने दिया जाए और इस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक सरकार बच्चा मानसिक तनाव में है पूरा। वो कह रहा है भी मैं स्कूल में जाने से मेरे को डरने लगने लग गया, मेरे को शर्म आने लग गई है। ये इन्होंने बच्चे को शिक्षा से दूर रहने का शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया है, जो और जो ये राइट टू एजुकेशन का इन्होंने उल्लंघन किया है। डी साहब ने अपने राइट उस आदेश में भी ये लिखा है कि ये राइट टू एजुकेशन के तहत आप बच्चे को नहीं निकाल सकते और इसको फटाफट एडमिशन करके और वो उनको सूचित करें, लेकिन वो उन ना तो उनके ऑर्डर की कोई इनको उनके ऑर्डर की भी अवहेलना करी है और एक मतलब शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी किया है। बैठे वो बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है डीओ साहब को देंगे और हम भी उनसे मिलेंगे, फिर जो आदेश होगा वो तो बच्चे को। जैसे कि आज ये अभिभावक बोल रहा है मैं सुबह से बैठा हूँ और क्लास में बैठने से मना कर दिया स्कूल प्रशासन ने, वो कहना कि भी एग्जाम दिलाएंगे हम पास भी कर देंगे लेकिन उसको क्लास अटेंड नहीं करने देंगे। नहीं नहीं नहीं, काउंसलर साहब अभी काउंसलिंग करेंगे बच्चे की, फिर वो आगे कार्रवाई उसके ऊपर काउंसलर की रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट के बाद उसको क्लास में बैठने दिया जाए, जो काउंसलर की रिपोर्ट होगी कोई नियम से के अनुसार होगा। सर काउंसलर साहब अभी आए ही हैं, अभी वो तो बच्चा उनके सामने बैठक में कोई काउंसलिंग का जिक्र नहीं है जी। जो आदेश रखे आदेश ये दे रखे हैं कि स्कूल में दाखिला करके और सूचित किया जाए, नहीं सर ये लाइन लिख रखी है। इन्होंने आज तक ना तो उधर सूचित किया और ना दाखिला ले, आज की बात नहीं है ये, कल भी हम लोग आए काउंसलर काउंसलर आएंगे और काउंसलर के सामने बच्चे को काउंसलर अभी आए हैं जी, फिर जैसा नियमानुसार स्कूल की।